अपना वाला बैठो बे, अपना बैठा हुआ चौबीस वाला चला है, ठीक है ना भाई। उमर वाला ले ले, सिंध कप 2023 का ग्रैंड फिनाले टूर्नामेंट 2023 जिसका आज फाइनल है, नोनारी बनाम नूरपुर। अब सादा आप वीर शेरवानी भी देखने जा रहे हैं टूर्नामेंट के साथ। ये नूरपुर प्रिमियर फोर टीम को सारा था और आज नूरपुर पहुंची है फाइनल में। ये दो ओवर की कमेंट्री जाती करेंगे, लास्ट ओवर की कमेंट्री में करूंगा फाइनल का मुकाबला है सकी पार्टी दे सकी। तो फाइनल की पहली गेम नूरपुर स्ट्रोक के बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए, दो प्लस दो ओवर का ये फाइनल मुकाबला। और पहली गेंद पे शानदार अंदाज में शुरुआत कर दिया है बल्लेबाज फैज ने, शानदार प्रदर्शन अब तक। और ये टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला है, फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है नोनारी वर्सेस नूरपुर के दरमियान। ये है फाइनल मुकाबला, पहली गेंद पे शानदार अंदाज में खेला और अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन गेंद और बल्ले में कोई तालमेल नहीं। टीम नोनारी जीतेगी फाइनल मुकाबला, कौन बनेगा चैंपियन ये देखना होगा। अगली गेंद अजीब और गरीब अंदाज में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए, स्कोर कार्ड 8। दो प्लस दो ओवर का ये मुकाबला, फैज इस वक्त 8 रन बना के बल्लेबाजी कर रहा है और अगली गेंद पे कोई मौका नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंच गया 12 रनों पे, जबरदस्त बल्लेबाजी। ये चला लग रहा है ना, जब तेरा लग रुका फैज की तरफ से फाइनल मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी नजर आ रही है। स्कोर कार्ड पहुंच गया 12 रनों पे, सेमीफाइनल की ये पहली लीग चल रही है, सॉरी फाइनल की ये पहली लीग चल रही है। इस बार बेहतरीन गेंद लेकिन दौड़कर एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से स्कोर कार्ड 13। दो ओवर का ये फाइनल मुकाबला नूरपुर वर्सेस नोनारी के दरमियान खेला जा रहा है, नोनारी टॉस जीतकर बल्लेबाजी करता हुआ और अगली गेंद पे बेहतरीन स्ट्रोक फील्डर मौजूद लेकिन एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से स्कोर 14-1 को
जिसको अगले मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहा है। यहां से छह गेंदों का खेल बचा है। ननाली टीम को कम से कम 30 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा माइंड में, क्योंकि नूरपुर टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा गेम शो किया है, तब जाके यहां पर का सफर तय किया है टीम नूरपुर ने। ठीक है चल तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और ये गेंद लेगी स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का सिग्नल। दिशाहीन गेंदबाजी से बचना पड़ेगा, इस तरह गेंदबाजी से बचना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। और इस बार साफ क्लियर बॉल, गेंदबाज का नाम बता दे अलीशान। अलीशान गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार क्लियर बॉल किया था। अपनी स्कोर कार्ड 15, दो ओवरों का ये फाइनल मुकाबला। राउंड विकेट, फोर्थ विकेट से यहां अगली गेंद, एक और विकेट मिल गया अली शेर को, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर का। इस एक की मदद से स्कोर पहुंचा। बोला है एक बाल भी विकेट। स्कोर कार्ड 16, दो ओवरों का ये फाइनल मुकाबला। अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है इस दूसरे ओवर की, तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और एक बार फिर से लेगी स्टंप से बाहर एक और वाइड बॉल। टोटल स्कोर 17, दो प्लस दो ओवरों का ये फाइनल मुकाबला, तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार बेहतरीन शॉट फील्डर मौजूद, एक रन को किया, क्या ये चौका है या रन आउट है ये देखना होगा। और आउट का सिग्नल आ गया अंपायर का। अरे यार भाई बहुत पहुंच गया यार, लगाज ना है बाबा डायरेक्ट। अभी भी स्कोर कार्ड है 17, पकड़ के लगो तो समझ तो डायरेक्ट लगी है, बारीकी रही कहा पता, लेकिन दूसरे ओवर की कुछ गेंद बची है अभी भी। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है नूरपुर और टनारी के दरमियान। 12 आउट होने का चांस, बल्लेबाज से 12 आउट, यहां अस्पर कोई स्ट्राइक रखनी चाहिए। एक और विकेट जाता हुआ, अभी भी स्कोर कार्ड है 17, शायद 3 गेंद अभी भी बची हुई है। इस 3 गेंद पे बाउंड्री की जरूरत है लोनारी टीम को, अगर बाउंड्री नहीं आई तो मुश्किल में पड़ जाएगी। तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और इस बार दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने बाई का एक रन पूरा कर लिया है। इस एक की मदद से स्कोर 18, शायद अभी भी 2 गेंद बची है, फैंस को सामना करना ही 2 गेंदों का। अगर इस 2 गेंद पे बाउंड्री आ गई तो डोनारी टीम मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी, लेकिन हवा में लगे स्ट्रोक, एक और सफलता मिलती हुई। एक बार फिर तैयार, अंतिम गेंद है पहले इनिंग की, ये फाइनल मुकाबले की।
क्या होगा इस गेम पे, बहुत इंपोर्टेंट गेम है ये पहली इनिंग की। बेहतरीन स्ट्रोक, कोई मौका नहीं बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर जो अजीबा खेल में डाल वाला लटका रही है गदरी में। अजीबा अबे अजीबा खेल खेल बे अबे अजीबा खेलिए अजीबा कहे थे। The Grand Finale 2023 सिंद्री कप आपके सामने चला है जिसका ये फाइनल है। वो टीम सालीमैन कंपनी सिंद्री नोनाली मैं कहता हूं और ये उनके साथ मुकाबली टीम नदीमैन कंपनी कहने या नूरपुर कहने बात एक ही है। ये दोनों टीमों का मुकाबला चल रहा है, ये ग्रैंड फिनाले चल रहा है और ग्रैंड फिनाले में टारगेट दे दिया है 23 का। नूनाली ने टारगेट दिया है 23 का। फाइनल ये मुकाबला है, आज कौन जीतेगा कौन हारेगा। कि जीतना किसी के बड़े फन की बात है, जीतना किसी के बड़े फन की बात है। यह फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया, यह फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। आज वो हीरो कौन निकल कर आने वाला है, ऐसा हीरो कौन निकलेगा कि देखा जाएगा कि अभी तो शाम है, दिल अभी तो रात बाकी है, उम्मीदें वसले यारा की अभी सौगात बाकी है। ये उंगलियां अभी तो काबुले गेटी से खेली है, तेरी जुल्फों से कब खेले अभी वो बात बाकी है, अभी वो बात बाकी है। 23 का टारगेट है, पहले गेंद सफलता फील्ड करने में कामयाब हुए हैं। बहुत लंबी अपील लेकिन नतीजा ये कि नॉट आउट कैसा आया है। मोहम्मद फैज कह रहे हैं कि जिसका हकदार था उसको उसी हक में रखा, तेरा खाता आया तो शादी के वर्क में रखा, गमपरस्ती की रियायत नहीं तोड़ी हमने, तेरा आंसू भी गुलाबों के वर्क में रखा, तेरा आंसू भी गुलाबों के वर्क में रखा। इस बार बेहतरीन ड्राइव, वाओ, एक बार लोग तालियां बजा दे, बहुत प्यारा बचाव ये कहा जाएगा ग्रैंड फिनाले में, बहुत अच्छा बचाव कहा जाएगा ये टीम के लिए। मैं लिखा हूं टोटल 3 बचाया है, यही सब चीजें टर्निंग पॉइंट रहती है, यही सब चीजें टर्निंग पॉइंट रहती है, यही मुकाबले को जिताती है और वही कर रहा है टीम असीमैन कंपनी सिंद्री नूनाली अपने काम को अंजाम दे रहा है। इस पर हल्के बल्ले से खेला है और बल्ले पर ही पॉइंट पे है, प्ले है दूसरे की मांग की है, दो लेना चाहते तेरे की मना कर दिया है, एक के साथ स्कोर पहुंचा है मोहम्मद, दो ना दो स्कोर पहुंचा है, स्कोर दो पहुंचा है। बहुत कांटे का मुकाबला है कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस तेरे दिल से सवाली नहीं जाता, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। इस पत्रा बेहतरीन एक अच्छी वापसी कही जाएगी और वाइट कैसा आया है, वाइट के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है पृथ्वी के साथ ठीक, स्कोर 3 हो गया है। जबरदस्त ये मुकाबला चला है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर खड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वही काम करने निकले हैं, तैयार क्या करेंगे, किस सत्य काम को अंजाम देंगे देखा जाएगा। और इस मरतबा मिल गया मौका, जर दिया चौका, 4 का ऐसा आया है, 4 के साथ अभी स्कोर अब्दुल रहीम कितना है, स्कोर 7 पहुंचा है, स्कोर 7 है। जबरदस्त ये मुकाबला चला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बच्चा तो बनाएगा ये खिलौना खेलेगा। इस एक और नौका ऐसा आ रहा है, 4 भी मिल गया है, इस पर 4 भी, ये 4 नहीं है 2 कैसा आया है, एक नो का और एक बाई कैसा आ रहा है सिंगल का और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 9 स्कोर पहुंचा है, स्कोर 9 पहुंचा है, दो दो के मुकाबले में तैयार
इस मरतबा वाओ वंडरफुल बेहतरीन दिलवरी कही जाएगी आज की बहुत प्यारी वापसी है। तो किस तरह से बात करेंगे खिलाड़ी आ रहा है रन लेने का मौका नहीं है ओवर की समाप्ति का हो जाएगा एरर एक ओवर नौ पहले में नौ आया है ये ग्रैंड फिनाले चल रहा है आज सिंधु कप सोनू क्लब के तहत तमाम ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है आज फाइनल चल रहा है और कौन जीतेगा देखा जाएगा। मैं टीम से कहूंगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता ढूंढ लेता है अंधेरों में मंजिल अपनी जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। अब्दुल रहीम सिंदूरी मुस्कुरा रहे हैं टूर्नामेंट को देखकर कि आज ये सालिमैन कंपनी टीम फाइनल खेल रही है। पहली गेंद नौ का ऐसा आया है नौ के साथ स्कोर पहुंचा है दस कितने का टारगेट था कितने का टारगेट था रही तेईस का टारगेट था दस आ गया है अभी भी जीत के लिए मैं लिख रहा हूं तिरासी खेला है बड़ी खूबसूरती के साथ एक खिलाड़ी आ रहा है सफलता एक मिल जाएगा अभी भी बार चाहिए क्या हुआ है बार चाहिए जीत के लिए तेईस का टारगेट है दो प्लस दो का ये मुकाबला है दो प्लस दो का मुकाबला है तैयार बहुत काफी का ये फाइनल चला है आज दर्शकों को बड़ी मजा आई होगी ये फाइनल देखकर इस एक और बड़ी मछली जाल में है और फैज ने कहा कि दिया जला के सभी बाम उधर में रखते हैं दिया जला के सभी बाम उधर में रखते हैं और एक हम है उसे रह उधर में रखते हैं समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम भी भवर में रखते हैं कि हम तो पहला कदम भी भवर में रखते हैं ये फैंस कह रहे हैं और बड़ी मछली जाल में आई है। बड़ी मछली जाल में आई है और फैंस बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है कि सुरकुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद सुरकुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे खिंच जाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे खिंच जाने के बाद वही काम किया है मोहम्मद फैज नुनारी। तैयार फाइनल मुकाबला चल रहा है मुकाबले को जीत रहा है टीम सिंदरी सिंदरी मुकाबले को जीत रहा है बहुत प्यारा ये मुकाबला चल रहा है और फैज कह रहे हैं खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है मैं वो कतरा हूं समंदर मेरे घर आता है मैं वो कतरा हूं समंदर मेरे घर आता है वही करेंगे वही काम करने वाले हैं। तैयार क्या करेंगे मुकाबले को जीत रहा है सालिमैन कंपनी सिंदरी नुनारी नुनारी आज मुकाबले को जीत रहा है आज इसको तबाही दीजिए एक चौका मिल गया है चार के साथ स्कोर कितना हो गया है स्कोर पंद्रह हो गया है पंद्रह स्कोर हो गया है अभी भी जीत के लिए मैं लिख रहा हूं चाहिए आठ आठ अभी भी जीत के लिए चाहिए तैयार कुछ सोच के फैंस के बात करने के लिए तैयार है खेला है एक खिलाड़ी आ रहा है फील कर लेगा एक खिलाड़ी आ रहा है फील कर लेगा और ये टीम सिंदरी कह रही है नुनारी कह रही है कि जिसको तूफान से उलझने की आदत हो जिसको तूफान से उलझने की आदत हो ऐसी कश्ती को समुंदर भी दबा देता है ऐसी कश्ती को समुंदर भी दबा देता है आज वही करने निकले हैं तैयार किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे तैयार
के चैंपियन बनने जा रही है। आज की तारीख में लिखा जाएगा इस ग्राउंड का सिद्धरी कप क्रिकेट के नाम आया है और इस मुकाबले को जीत लिया है सालिम एंड कंपनी सिद्धरी ननारी। बधाई आपको, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। तो टीम लाइन अप हो जाए, कुर्सी पहले लगा दे, पहले कुर्सी लगा दे, दोनों टीम आकर लाइन अप हो जाए तुरंत। और फिर टूर्नामेंट की तकसीम की जाएगी, टूर्नामेंट की तमाम प्राइज तकसीम की जाएगी और दोनों टीम एक एक कॉपियों पर ले ले तुरंत अपने खिलाड़ियों का नाम लिख दे। दोनों टीम एक एक कॉपी को ले ले। टीम